हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे बेहतरीन घरेलू जूसों के बारे में, जिन जूस की मदद से आप लोग एक बार में ही अपनी किडनी की पूरी गंदगी को साफ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी किडनी से सारी गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो आप लोग भी जो मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किडनी शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जो खून से निकलने वाले बेकार और तरल पदार्थ को छान कर बाहर निकालने का काम करती है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो ये पदार्थ शरीर में जमा होकर बीमारियों का खतरा बढ़ाएंगे। ऐसे में किडनी सही तरीके से अपना काम करती रहे उसके लिए उसे डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ड्रिंक्स यानी कि जूस के बारे में बताऊंगी जो आपकी किडनी से सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो जूस है वो है डैलिलियन चाय। डैलिलियन यानी कि सिंहपर्णी की चाय। सिंहपर्णी की चाय में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी, लोहा, पोटेशियम और आयरन का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है, जो कि हमारी किडनी को डिटॉक्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही इससे किडनी की बीमारी और पथरी की समस्या भी दूर होती है। वही किडनी की सारी गंदगी को साफ करने के लिए दूसरा जो ड्रिंक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है चुकंदर का रस। चुकंदर का रस एक बेहतरीन किडनी क्लींजर है और ये आपके लीवर के स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा। चुकंदर का रस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। ये गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप लोग दूसरा जूस जो फॉलो कर सकते हैं वो है चुकंदर का रस। वही तीसरा जो ड्रिंक्स आप लोगों को फॉलो करना है वो है स्टिगिंग नेटल यानी कि बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी हर्बल दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आप में से शायद ही काफी कम लोगों को ये पता होगा कि आयुर्वेदिक में बिच्छू बूटी का प्रयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। ये सूजन को कम करने के साथ बैक्टीरिया बीमारी का रामबाण इलाज है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट किडनी को डिटॉक्स करते हैं। इसके लिए बिच्छू बूटी की आप लोगों को चाय बनाकर पीना होगा। वही चौथी ड्रिंक्स जो आप लोगों ने फॉलो करनी है वो है कैनबेरी जूस का। कैनबेरी रस यूरिन इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। साथ ही ये हमारी किडनी को फिल्टर करने का काम भी करता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है तो वो भी इससे दूर हो जाएगा, लेकिन इसका सीधा सेवन आप लोग ना करें। वही फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आप लोगों ने ड्रिंक्स फॉलो करना है वो है हल्दी की चाय। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन न सिर्फ हमारी किडनी को डिटॉक्स करता है बल्कि इससे सूजन की समस्या भी दूर होती है। वहीं हल्दी रक्तचाप को कम करती है, जो गुर्दे की बीमारी का दूसरा प्रमुख कारण है। यही नहीं फ्रेंड्स, किडनी के कार्य को भी हल्दी बेहतर करती है। आप लोगों को ये तो पता होगा ही, हल्दी काफ़ी सारे गुणों से भरपूर है। हल्दी हमें सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो आप लोगों को हल्दी के चाय का सेवन भी जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे घरेलू जूस जिनकी मदद से आप लोग अपनी किडनी की सारी गंदगी को साफ कर सकते हैं। आप लोगों को बस ये सारी चीज़ें एक बार ही फॉलो करनी है। आप लोगों को एक बार में ही इसका पूरा असर दिख जाएगा। सो अगर आप लोग भी अपनी किडनी की पूरी गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो आप लोग भी इन ट्रिक को जरूर फॉलो करें। आई होप गाइज, आप लोगों को मेरी बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।